नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेसी के 1035 Ti मेसी फोर्ड क्वेश्चन प्लेनेटरी प्लस ट्रैक्टर के बारे में, जो कि 40 HP की रेंज में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो लगा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस ट्रैक्टर की पूरी फीचर्स वगैरह जानेंगे और क्या क्या इसमें कंपनी ने चेंज किया है वो भी बताएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो दोस्तों, इसका जो इंजन है 40 HP की कैटेगरी में 3 सिलेंडर का 2400 CC का इंजन है। और दोस्तों, पावर और मैनुअल दोनों तरह की स्टेयरिंग में ट्रैक्टर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अभी मैनुअली स्टेयरिंग में है और 3 सिलेंडर वाला ये ट्रैक्टर है। और इसमें बात करें फ्रंट टायर की, 6/16 की साइज़ में इसके फ्रंट टायर दिए हुए हैं। और सामने आप देख सकते हैं बम्पर काफ़ी हैवी दिया है, ताकि ट्रैक्टर चढ़ाई में चले तो आगे से कम उठे। और बीच में आप देख सकते हैं मेसी की ब्रांडिंग, और सामने से काफ़ी अच्छा लुक है ट्रैक्टर का। और इस साइड है इसमें साइलेंसर वगैरह, जो कि स्लिम आप देख सकते हैं, जो इसके लुक को और भी शानदार बना देता है। और बीच में इसके ये है डीजल की टंकी। दोस्तों, डीजल की टंकी इसमें 47 लीटर की क्षमता वाली इसकी डीजल की टंकी है। और इस साइड है इसमें एयर फिल्टर वगैरह। तो एयर फिल्टर दोस्तों, इसमें ऑयल बाथ टाइप का एयर फिल्टर है। और इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो वाटर कूल्ड वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैपे ब्रांडिंग और इंजन वगैरह की जानकारी यहाँ पर दी है। और ओवरऑल बात करें इसमें ब्रेक्स की, तो ये इसमें ऑयल मैस्ट डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल जाएंगे। और थोड़ा सा ऊपर से हम देख लेते हैं इसको। तो स्टेयरिंग दोस्तों इसमें काफ़ी बढ़िया दी है कंपनी ने, छोटी और काफ़ी आरामदायक स्टेयरिंग है। और मीटर इसमें आप देख सकते हैं डिजिटल दिए हुए हैं, और कुछ नॉर्मल घड़ियाँ भी हैं इसमें। फर्स्ट है लाइट की, दूसरी बैटरी, तीसरी इसमें हॉवर स्पीड, और ये इसमें है टेम्परेचर की, और पाँचवीं इसमें फ्यूल वाली, और एक इसमें डिजिटल है जो घंटे दर्शाती है। बाकी साइड इसमें कुछ बटन है इंडिकेटर वगैरह चलाने के लिए। और नीचे हैड, ये है इसमें हैंडरेस, और इसी के नीचे है हॉर्न का बटन, और नीचे है मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन, यहाँ पर आप मोबाइल चार्ज लगा सकते हैं। और नीचे चाबी लगाने का स्विच। और बाकी हम बात करें इसमें गेयर बॉक्स की, तो ये इसमें मेन गेयर है, और ये है इसमें हैवी लो वाला गेयर। खैर दोस्तों, इसमें 4 गेयर है और 1 रिवर्स है, और इसमें है हैवी लो, और सेंटर शिफ्ट वाले गियर है इसमें, और साइड शिफ्ट वाले भी इसमें आते हैं। इस साइड में इसमें ब्रेक लॉक, यहाँ से आप हैंड ब्रेक आसानी से लगा सकते हैं। और नीचे है PTO कंट्रोल के लिए गियर, तो यहाँ से आप PTO ऑपरेट कर सकते हैं। और इस साइड है इसमें क्लच, और ब्रेक का मैंने बताया था ऑयल मैस्ट डिस्क ब्रेक है। इस साइड है इसमें हाइड्रोलिक कंट्रोल के लिए दोनों पैनल, तो यहाँ से आप हाइड्रोलिक कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें इसके बड़े टायर की, तो 13/6/28 की साइज़ में इसके बड़े टायर आप देख सकते हैं। और दोस्तों बात करें इसमें लिफ्ट की कैपेसिटी की, तो इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1750 kg है, वजन उठाने की क्षमता वाली लिफ्ट कैपेसिटी है। और पीछे का दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा सा हिस्सा इसको हैवी कर दिया है कंपनी ने। और बाकी हम बात करें टूल बॉक्स है, और इधर हाइड्रोलिक के लिए नली, और पीछे हिच वगैरह। और दोस्तों इसमें अंदर कुछ कंपनी ने बदलाव भी किए हैं, जैसे थाली पिन वगैरह, तो इसमें टूटने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। और यह इसमें हिच पीछे ट्रॉली कनेक्ट करने के लिए। और नीचे है इसमें पीटीओ दोस्तों इसमें सिंगल गियर वाली है, जो नॉर्मली PTO आती थी पहले वही है। ये इसमें बैकलाइट है, और बाकी थोड़ा बहुत चेंज किया है कंपनी ने कुछ इम्प्लीमेंट्स वगैरह। और दोस्तों सामने से लुक भी काफ़ी अच्छा है ट्रैक्टर का। और ओवरऑल हम कीमत की बात करें, तो इसकी अभी की जो एक शोरूम प्राइस है वो 6,10,000 के लगभग इसकी प्राइस है। और तो दोस्तों ये थी मेसी फोर्ड क्वेश्चन 1035 Ti प्लेनेटरी प्लस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी। और आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।